भारत का एक ऐसा सम्राट जिसने सनातन धर्म को चारों दिशाओं में फैलाया था, जो मात्र युद्ध ही नहीं कला और संगीत में भी सर्वोच्च था, जिसे जनता देवताओं की तरह पूजती थी और जिसके नाम से दुश्मन थरथर कांप जाते थे। सभी दिशाओं को जीतकर जिसने भारत को बनाया सोने की चिड़िया, जिसकी शक्ति और विवेक के कारण आज भी भारत को सनातन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं भारत के महान सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त चौथी शताब्दी में पैदा हुए। वह चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे। कुमार देवी लिच्छवी की राजकुमारी थी। लिच्छवी साम्राज्य के समय नेपाल अपने स्वर्णिम काल में था, जिस प्रकार गुप्त के समय भारत स्वर्णिम युग में था। बचपन में ही समुद्रगुप्त की वीरता और उसके विचारों को देखकर पिता समझ चुके थे कि अगला राजा किसे बनाना है। समुद्रगुप्त को अगला राजा बनाने के कारण उनके अन्य भाइयों ने विरोध कर दिया, लेकिन समुद्रगुप्त ने उनके विरोध को तुरंत कुचल दिया। 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त मगध के राजा बनते हैं। पिता के द्वारा छोटा सा राज्य प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अपनी शक्ति और बुद्धि से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। सम्राट बनने के बाद उन्होंने एक अभियान की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया और दक्षिण भारत में अपना दबदबा बना लिया। उनसे टक्कर लेने वाला उस समय कोई नहीं था। उनका नाम सुनते ही राजा अपने आप अपना राज्य उन्हें समर्पित कर देते थे। पश्चिम के 9 राजाओं ने समुद्रगुप्त की क्रोध से बचने के लिए उन्हें पत्र लिखे, जिसमें उन्होंने लिखा कि हे आर्यपति सम्राट, आपके चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार हो। हम और हमारी प्रजा आपके क्षेत्र में रहना स्वीकार करती है। आप देव अवतार हैं, जिनके क्षेत्र में रहना हमारा सौभाग्य होगा। हम आपके दक्षिण विजय की कामना करते हैं। श्रीलंका के राजा भी डर के कारण उन्हें हिंदू त्योहारों में उपहार दिया करते थे। उन्होंने अपने समय में अनेकों धार्मिक ग्रंथों को लिखवाया और मिलावट की हुई धार्मिक ग्रंथों को शुद्ध भी करवाया, जो कि बौद्धों और जैनों द्वारा किए गए थे। समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में अनेकों मंदिरों का निर्माण किया। जहां एक तरफ युद्ध करते थे, वहीं दूसरी तरफ मंदिरों का भी निर्माण करते जाते थे। महान विजय के बाद सम्राट समुद्रगुप्त को भविष्य में दोबारा कभी भी युद्ध की आवश्यकता नहीं हुई। सभी इस राजा के आगे अपने शीश को झुका दिए और समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इसके बाद पूर्वोत्तर की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम के मरुस्थल तक, उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के महासागर तक, सभी दिशाओं में समुद्रगुप्त का ही शासन था। इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त के बारे में कुछ इस प्रकार कहा है। उनके शरीर में 80 से ज़्यादा घाव थे। वह तलवारों की माला पहनता था। वह जिधर निकल जाता था उधर शत्रुओं का अंत कर देता था। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। वह अश्वमेध यज्ञ करता था और वास्तव में एक देवता था जो मनुष्य रूप में अवतरित हुआ। प्रयागराज में स्थित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है कि पृथ्वी पर उसके सामने खड़ा होने वाला अर्थात उसका प्रतिरथ कोई नहीं है। सारी धरती को उसने एक प्रकार से अपने बाहुबल से बांध सा रखा है। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। वह कविताओं तथा आर्यों की सभाओं का आयोजन करवाता। अपनी भुजाओं का पराक्रम ही उसका सच्चा साथी था। परशु बाण शंख शक्ति आदि अस्त्र शस्त्र में सैकड़ों घावों से उसका शरीर सुशोभित रहता था। नमन कीजिए उस महान सम्राट को जिसके कारण भारतीय संस्कृति को आज भी सनातन सभ्यता के नाम से जाना जाता है।